में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में होने जा रहा पहला उपचुनाव क्या कांग्रेस इसे जीतने वाली है? जी हां, सवाल कहें या फिर अंदाजा इसीलिए लगाया जाने लगा है क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा है उसके बाद से बीजेपी और गोंगपा दोनों में हलचल तेज हो चली है। हम बात कर रहे हैं अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपना पूरा जोर लगाते नजर आने लगे हैं। इसके अलावा गोंगपा यानी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इसे एक मौके की तरह देख रही है। पूरे समीकरण की आपको बात करेंगे और बताएंगे भी, लेकिन उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर यहाँ पर उपचुनाव हो क्यों रहा है। दरअसल साल 2023 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की तरफ से कमलेश शाह को प्रत्याशी बनाया गया था। यह सीट छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आती है और इस सीट के साथ ही बाकी की अन्य 7 सीटों पर भी कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था, यानी कि सभी सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। कहा गया कि कमलनाथ अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो गए थे। जाहिर है यहां पर कमलनाथ की पसंद के लोगों को ही टिकट दिया गया था और इन्हीं में से एक नाम था कमलेश शाह का भी, जो हर्रई राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और उन्होंने इस चुनाव को कांग्रेस के चिन्ह पर जीत भी लिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के करीब आते आते समीकरण बिगड़ा। कमलेश शाह ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में प्रवेश कर लिया और फिर विधायक के पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब इसी वजह से खाली सीट होने के कारण यहाँ पर उपचुनाव की नौबत आ गई है। जैसे ही चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया, बीजेपी ने कांग्रेस से चुनाव जीतकर उसके पाले में यानी बीजेपी के पाले में आए कमलेश शाह को ही टिकट थमा दिया। इनके नॉमिनेशन में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा इसके बाद गोंगपा यानी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी उतारा गया। पार्टी ने यहाँ पर युवा नेता देवरान भलावी को कैंडिडेट बनाया है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा इस पर भी सस्पेंस बना रहा और फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसे नाम का ऐलान किया जिसे सुनकर बीजेपी और गोंगपा के खेमे में हलचल मच गई। कांग्रेस ने इस सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए धीरेन शाह इनवाती को मैदान में उतारा है। अब कौन है धीरेन शाह? दरअसल धीरेन शाह इनवाती आंचल कुंड दरबार के सेवादार के छोटे भाई हैं। यह वही आंचल कुंड है जहां पर बीती 25 मार्च को अमित शाह जब छिंदवाड़ा पहुंचे थे तब उन्होंने यहां आकर दर्शन किए थे और सेवादार का सम्मान किया था। दरअसल अमरवाड़ा आदिवासी बाहुल्य इलाका है और इस इलाके के आदिवासियों में आंचल कुंड को लेकर बहुत गहरी आस्था है। ये भी बताते हैं कि यहाँ पर जो धूनी जल रही है वो 200 साल पहले जलाई गई थी और इसे दादाजी दरबार के रूप में भी पहचाना जाता है। खास बात यह भी कि साल 1980 में कमलनाथ ने इसी दरबार के दर्शन करने के बाद छिंदवाड़ा में अपना सियासी सफर शुरू किया था। अब आस्था के इस बड़े केंद्र के सेवादार के भाई को जब कांग्रेस ने टिकट दिया है तो माना यह जा रहा है कि कांग्रेस का एक बड़ा दाम है। वे इसे इस उपचुनाव में इसे तुरुप का इक्का साबित होने का मान सकते हैं। धीरेन्द्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट बैंक में भी सेंध लगा सकते हैं। वैसे अब अमरवाड़ा उपचुनाव त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रदेश में ये पहला उपचुनाव होने जा रहा है जहां पर कांग्रेस पूरा दम लगाती हुई नजर भी आ रही है। देखिए, बहुत ही प्रभावशाली क्षेत्र है वो आंचल कुंड जिसे कहते हैं और उसका अपना एक महत्व है। एक एक आदिवासी उनको मानता है, तो जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी में तो बेचैनी शुरू हो ही चुकी होगी। कमलनाथ जी ने जो है ये एक मास्टर स्ट्रोक चलाया और चिल्ला रही थी बीजेपी के कैंडिडेट नहीं कैंडिडेट नहीं कैंडिडेट। अब बताएं कैंडिडेट कैसा है। कमलनाथ जी अपने पुत्र नकुलनाथ की तो नैया छिंदवाड़ा में बचा नहीं पाए। जिस छिंदवाड़ा को नाथ का गढ़ कहा जाता था वो अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार के लाभार्थियों का गढ़ हो चुका है। और चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, 29 कमल के फूल की माला आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की है। करारी हार कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी अमरवाड़ा में भी हासिल करेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन शाह इनवाती के नामांकन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री और अमरवाड़ा के चुनाव प्रभारी सुखदेव पांसे भी मौजूद रहे। लेकिन कांग्रेस नेता कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ की उपचुनाव में रुचि दिखाई नहीं दी, ऐसा कहा गया। उन्होंने चुनाव की गतिविधियों से अपने आप को दूर कर रखा है।
नामांकन के वक्त भी वो मौजूद नजर नहीं आए और सवाल भी ऐसे में खड़े हो रहे। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रत्याशी चयन में कमलनाथ की पसंद का पूरा पूरा ख्याल रखा गया और उनसे पूछकर ही नाम का चयन किया गया। दूसरी तरफ हर्रई राजवंश का होने की वजह से कमलेश शाह को यहाँ पर समर्थन मिलता रहा है। इसी वजह से साल 2013 से लगातार वो विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलेश शाह 25,000 से ज़्यादा मतों से जीते थे। अगर वे ये उपचुनाव जीत जाते हैं तो प्रदेश की मोहन सरकार उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दे सकती है, खबरें ये भी हैं। आपको बता दें कि अमरवाला विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को वोटिंग है जबकि 13 जुलाई को यहाँ के नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के तुरुप के इक्के के रूप में माने जा रहे धीरेन्द्र शाह क्या वाकई कोई कमाल कर पाएंगे, इसका पता नतीजों से ही चलेगा। लेकिन ये जरूर तय है कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है।